पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सलमान दास पाटिल ने ट्रैफिक पुलिस को भी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। बाजार में दिए, झालर और अन्य आकर्षक वस्तुओं की दुकानें भी सज गई हैं। हजारों की भीड़ में लोग दीपावली की खरीदारी करने बाजारों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में त्यौहार सकुशल मन सके इसके लिए ललितपुर में पुलिस प्रशासन दुरुस्त हो गया है। पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि ललितपुर में जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादा वर्दी में पुलिस तैनात रहेगी। बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर महिला पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा यातायात में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से ऑलरेडी मुस्तैद है और जितने भी ऐसे पटाखे की दुकान हैं उसके लाइसेंस चेक किए जाएंगे, उसी के बाद उनको लगने दिया जाएगा। ये बाज़ारों में जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं, जहाँ विशेष रूप से महिलाएँ बाज़ारों में जाती हैं, शाम के समय में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर विशेष रूप से महिला पुलिस सादे ड्रेस में भी लगाए गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं, जो चोरी छीना झपटी और छेड़छाड़ के इस तरीके के क्राइम करते हैं, इन पर विशेष नज़र रखी जाएगी और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि आने वाला दिवाली का भी जो त्यौहार है सकुशल इसको पुलिस। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट। धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित प्रिय जैन अध्यक्ष नगर उद्योग व्यापार मंडल, श्रीमती अलका जैन अध्यक्ष महिला जैन सेवा संघ ललितपुर। समस्त क्षेत्र व जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर वासियों एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ताओं को अशोक गिरी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से अपील करता हूँ कि दीपावली के इस त्यौहार पे चाइना से बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को एवं मेरे युवा साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका युवा नेता आयुष श्रीवास आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस दिवाली हम पटाखों का कम उपयोग करके दियों को जलाएँ एवं अपने मऊरानीपुर में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएँ। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय प्रदीप जैन आदित्य की ओर से सभी बुंदेलखंड वासियों को धनतेरस, दीपावली व भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासी एवं मऊरानीपुर के नगर वासियों को महेश दशहरी की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊरानीपुर नगर एवं झांसी जनपद के निवासियों को मीरा विष्णु राय पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत झांसी की ओर से धनतेरस, दीपावली और ग्यास की हार्दिक शुभकामनाएं।